वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मुहासे, कील, एक्ने, पिंपल के इलाज के बारे में जानकारी दूंगा और कारण क्या होता है वो समझाऊंगा। एक बार आपने कारण समझ लिया तो आपको कौन सा इलाज लेना है आप अपने आप समझ जाएंगे। जो घरेलू नुस्खे हैं उनको अपनाएं, एलोपैथिक की मेडिसिन लें कि आयुर्वेदिक की मेडिसिन लें, आप अपने से चुनाव कर सकते हैं और जो सारा इसके पीछे का सिस्टम है वो समझ पाएंगे कि एक हफ्ते में इसका इलाज हो पाएगा कि नहीं, रात भर में मुहासे चले जाएँ कि नहीं, या एक महीने में चले जाएँ कि नहीं, इसके बारे में सारे आपके जो क्वेश्चन हैं उनके जवाब मिल जाएंगे और आप अपने से खुद चुनाव कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो मुहासे, पिंपल, ये स्किन का एक बीमारी है जो आपके अंदर स्किन के अंदर पाइलोसीबेसिस यूनिट होती है, सीबेसिस ग्लैंड होती है जो ऑयल का प्रोडक्शन कराती है, सीबम का प्रोडक्शन कराती है, ताकि आपकी जो स्किन है और जो हेयर है वो मॉइस्ट रहे, वो सूखे नहीं। बेसिकली एक तरह का आपकी बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। उसके अंदर सीबम का ज़्यादा कलेक्शन होने से, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने से, फिर पस सेल का कलेक्शन हो जाता है, बेसिकली उसको बोलते हैं मुहासे या उसको बोलते हैं पिंपल। तो आइए मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली होता क्या है, राइट। सो यहाँ पे जैसे देखते हैं, ये है स्किन की सरफेस, ये स्किन की सरफेस है, ये चार पांच लेयर की होती है। इसके अंदर यहाँ नीचे होता है पाइलोसीबेसियस यूनिट, ये पाइलोसीबेसियस यूनिट है, यहाँ पे सीबम का प्रोडक्शन होता है, सीबम का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। ये है हेयर, हेयर का यहाँ पे ये पूरा फालिकल होता है, हेयर का फालिकल है, यहाँ से सीबम ऐसे ऊपर की तरफ जाता है और स्किन के ऊपर चला आता है। अब अगर इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगे और साथ में यहाँ पे कुछ इपिथीलियल सेल्स होती हैं जो सीबम के साथ ऊपर जाती हैं, इसमें अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होने लगे या तो यहाँ पे प्रोडक्शन होने लगे, और तीसरा जब ये ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो यहाँ पे इसका कलेक्शन होने लगता है, ऐसे ये यहाँ पे कलेक्शन होने लगता है। अगर ऊपर ये ओपन नहीं है ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पे और कलेक्शन होने लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड कोमेडोन, मेडो का मतलब है मुहासे। तो क्लोज्ड कोमेडो मतलब कि जो वाइट टाइप के पिंपल्स होते हैं, और अगर ये पूरा सीबम और एपिथेलियल का कलेक्शन अगर एयर से एक्सपोज हो जाता है तो ये ब्लैक कलर का जो हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन कोमेडो या ब्लैक कलर का पिंपल हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होने के कारण, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन प्लस कुछ मिलेनिन, इसके ऑक्सीडेशन के कारण ये काले कलर का हो जाता है। तो ये बेसिकली है आपके मुहासे बनने के कारण। यहाँ पे ही एक और ग्लैंड होती है, वो होती है स्वेट ग्लैंड, उससे कंफ्यूज नहीं होना, पसीने की ग्लैंड अलग है, पसीने की ग्लैंड ये स्वेट ग्लैंड है, ये होती है, ये स्वेट ग्लैंड डायरेक्ट ऊपर खुलती है, स्किन पे खुलती है, और ये है पाइलोसीबेसियस यूनिट है, ये डायरेक्ट ऊपर नहीं खुलती, ये हेयर सीबेसियस यूनिट, ये हेयर फॉलिकल के थ्रू ऊपर जाती है, इसमें बेसिकली प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे होता है ओवर प्रोडक्शन और यहाँ पे होता है ब्लॉकेज, राइट। सो ये बेसिकली इसके पीछे का कारण है। इसके पीछे का कारण जानना इसलिए ज़रूरी था कि आपको इसी से समझ में आएगा कि हमारे लिए कौन सा इलाज अच्छा होगा। अब बात करते हैं कि क्या कारण होगा। तो पहला है ओवर प्रोडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि हार्मोनल इन्फ्लुएंस के कारण। जब किशोरावस्था आती है, 12, 13, 15 साल की एज में, उस समय एंड्रोजन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है बॉडी के अंदर। एंड्रोजन का प्रोडक्शन होने से ये सीबम का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि पाइलोसीबेसिस यूनिट ज़्यादा अच्छे से काम करने लगती है। और कुछ केसेस में हार्मोनल इम्बेलेंस के कारण, स्पेशली लेडीज में, जैसी पीसीओडी है या ओरल कंट्रासेप्टिव लेने की वजह से, या कई बार खान पान में बदलाव के कारण भी प्रोडक्शन हार्मोन का ज़्यादा होने लगता है, बेसिकली इम्बेलेंस होने लगता है। दूसरा जो कारण है यहाँ पे ब्लॉकेज होने का, मतलब कि ऊपर की जो स्किन है वो साफ़ नहीं रह रही है, चाहे किसी भी वजह से, राइट। चाहे यहाँ पे कोई डस्ट हो या कोई डर्ट हो, चाहे धूल हो, या आप सन में जा रहे हैं वहाँ के कारण, या तो आपकी ऑयली स्किन है, इसके अलावा यहाँ पे अगर कोई क्रीम है, लोशन है, फाउंडेशन है, फेस मास्क, ये जो ऑयली क्रीम आप लगाते हैं उसके कारण भी हो सकता है यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। और इसके अलावा जो तीसरा कारण मैंने बैक्टीरिया बताई दिया था, ये होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्ने करके बैक्टीरिया। अगर एक बार ब्लॉकेज होने के बाद यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है, बैक्टीरियल ग्रोथ होने के कारण यहाँ पे इन्फेक्शन होने लगेगा, WBC आने लगेंगे, पस सेल आने लगेंगे।
इसलिए इसके अगर मैं टाइप की बात करूं, एक्ने का जो टाइप है या मुहासे का टाइप, दो तरीके से होता है। एक में इन्फेक्शन नहीं होता, इसको बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस, और दूसरे में इन्फेक्शन होता है, उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस। जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रीटमेंट में अब अंतर आ जाएगा। जिसमें इन्फेक्शन रहता है उसमें इन्फेक्शन वाली मेडिसिन देनी पड़ेगी, तब ये ठीक होता है। तो जिस जो इन्फेक्शियस टाइप के होते हैं उसमें आपके जो घरेलू नुस्खे हैं वो बहुत अच्छे से काम नहीं करेंगे। हो सकता है उसमें जो होम्योपैथी के मेडिसिन है वो भी अच्छे से काम नहीं करे। नॉन इन्फेक्शियस दो टाइप के होते हैं, जैसे लोग जिनमें व्हाइट छोटे छोटे पिंपल हैं या ब्लैक कलर के हो जाते हैं, ओपन या क्लोज्ड कोमेडो, वो होता है। और जो इन्फेक्शियस है उसमें पिंपल का बनना, पिंपल बेसिकली क्या होता है, पेप्यूल होता है। थोड़े ज़्यादा बड़े हो गए तो उसको हम लोग पस्चूल बोलते हैं, उसके अंदर पस से लगता है। और बड़े हो गए तो नोडुल्स, कुछ लोगों में खूब बड़े बड़े से नोडुल्स होते हैं, और कुछ लोगों में तो नोडुलो सिस्टिक और बड़े बड़े हो सकते हैं। तो उसके अंदर यहाँ पे पूरा पस सेल का बेसिकली कलेक्शन हो जाता है। तो ये हमारे पास हो गए, ये आपने जान लिया कि क्या कारण होते हैं और कितने टाइप के होते हैं मुहासे, राइट। अब आ जाते हैं हम इलाज पे। आप जो ने कारण आपने समझ लिया, तो इलाज तीन तरीके से हो सकता है। एक जो स्किन के लेयर है उसको हमें बार बार अच्छे से साफ करना है, ताकि जो सीबम इकट्ठा हो रहा था ये ड्रेन होने लगे, ड्रेनेज सिस्टम आपका अच्छे से हो जाए। इसके लिए हमारे पास है किरेटिनोलिटिक मेडिसिन, ये मैं बात कर रहा हूँ एलोपैथिक की। जो किरेटिनोलिटिक मेडिसिन है उसमें है रेटिनॉइड, रेटिनॉइड के दो तीन टाइप है, जैसे ट्रिटिनोइन है या एडापालीन है, ये जो क्रीम्स आती है उसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा बेंजाइल पराक्सीडेज है, वो एज ए किरेटिनोलिटिक भी काम करता है, थोड़ा सा इन्फेक्शन भी कंट्रोल करता है। और तीसरा है सैलिसिलिक एसिड, इसको बोलते हैं किरेटिनोलिटिक ड्रग। ऊपर की जो डेड स्किन है वो जल्दी जल्दी रिमूव होगी, उससे जो पोर था वो अच्छे से पूरा ड्रेनेज सिस्टम आपका खुल जाएगा, और नीचे का जो सीबम का कलेक्शन होता है, एपिथेलियल सेल का मिक्सचर का कलेक्शन होता है, वो नहीं होगा। दूसरी जो मेडिसिन है, जो दूसरा गोल है ट्रीटमेंट का, वो इन्फेक्शन को कंट्रोल करना। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है प्रोपियानी बैक्टीरियम एक्ने, इसके लिए जो मेडिसिन यूज की जाती है क्लिंडामाइसिन। ज़्यादातर जो क्रीम देखो उसमें क्लिंडामाइसिन रहती है, कुछ केसेस में ओरल भी मेडिसिन ली जा सकती है, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन लेना, राइट। और तीसरा जो चीज़ है वो है सीबम का प्रोडक्शन को कम कराना। सीबम के प्रोडक्शन को कम कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये हार्मोनल ट्रीटमेंट से ही कम होता है, या आइसो ट्रिटिनोइन करके एक मेडिसिन आती है जिसके साइड इफेक्ट थोड़े ज़्यादा हैं, उसके डोज को ड्यूरेशन को टाइटर कराना, वो हमेशा कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के सुपरविजन में ही लेना चाहिए, उसको आप अपने से नहीं ले सकते, ज़्यादा खतरनाक दवाई है। तो बेसिकली ये तीन तरह के हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिससे ये मुहासे ठीक होगा। इतना तक आपको क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूँ कि किसी को मुहासे है जिसकी एज 12-15 साल है और दो चार मुहासे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले वो समझे कि उसे किसी तरह के एलोपैथिक की जो क्रीम आती है, लोशन आती है, उस पर तो बिल्कुल नहीं जाए, क्योंकि इन सब क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, रेडनेस होना, ईचिंग होना, बर्निंग सेंसेशन आना, स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ना। और दूसरा, ये जो क्रीम्स हैं ये तब तक इफेक्टिव होती हैं ज़्यादातर केस में जब तक आप इसका ट्रीटमेंट लेते रहेंगे। एक बार ट्रीटमेंट बंद किया तो अपने आप दोबारा से होने लगा, क्योंकि ये आपके शरीर में दिक्कत है, एज की समस्या के कारण है। तो इस बात को आप निश्चिंत हो जाएं कि जब भी एज बढ़ेगी, 20, 25 साल, 30 साल के हो जाएंगे आप, तो ये मुहासों की प्रॉब्लम ज़्यादातर केस में ठीक हो जाने वाली है, राइट। तो अगर दो चार मुहासे हैं तो उसके लिए आप इस दवाइयों पे तो बिल्कुल नहीं जाए। जो घरेलू नुस्खे हैं वो अपनाएं, या तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी खुद से देखभाल रखें, जैसे स्किन को साफ रखना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके लिए माइल्ड सोप यूज करें, ज़्यादा रगड़ के नहीं धोएं, राइट। बहुत सारे तरह के फेस वाश आते हैं, उसको भी अवॉइड करें, क्योंकि आप ज़्यादा स्किन को साफ करोगे, ज़्यादा ड्राई होने से स्किन अंदर से सीबम का प्रोडक्शन आपकी बॉडी और बनाने लगती है, तो ये प्रॉब्लम और बढ़ने लगेगी। साथ में ज़्यादा रगड़ने से या ज़्यादा जो पिंपल है उसको ज़बरदस्ती निकालने से, ट्रामा करने से, एक तो पिंपल दूसरी जगह पर फैलता है और स्कार बनने के चांसेस रहते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन के चांसेस रहते हैं। यूजली जो पिंपल के दाग धब्बे हैं वो अपने आप धीरे धीरे चले जाते हो, परमानेंट नहीं होते, पर आप जब चोट पहुंचाते हो, उंगलियों से ज़्यादा उसमें घाव करते हो, तो स्कार बनने के चांसेस या स्कार के बने रहने के चांसेस बने रहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप साफ़ सफाई करो, दिन में 2-3 बार माइल्ड सोप से धुलो। इसके अलावा डस्ट से, फ्यूम से, जो बाहर का पोल्यूशन है उससे थोड़ा सा बच के रखो। बाहर जाओ तो
चेहरे को ढक के रखना है, डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करना है। स्किन के लिए जो स्क्रब आता है, स्क्रब को अवॉइड करना है। ज़्यादा फाउंडेशन लगाना, मेकअप लगाना, लोशन लगाना, इनको अवॉइड करें, क्योंकि ये भी सब में ऑयल का कंटेंट ज़्यादा होता है, उससे ये पिंपल की प्रॉब्लम और बढ़ती है। स्पेशली जब रात में सोए तो सारे तरह के जो ऑयल, फाउंडेशन, इनको अच्छे से धुल लेना चाहिए, क्योंकि उससे और प्रॉब्लम आती है। और जब भी आप स्किन के प्रोडक्ट खरीदें तो उसमें देख लें कि नॉन ऑयली प्रोडक्ट होना चाहिए, नॉन कोमेडोजेनिक उसमें लिखा रहता है कुछ कुछ प्रोडक्ट में, वो चूज करें। इसके अलावा अगर कम है पिंपल, दो चार हैं, तो उसके लिए आपको करना है कुछ घरेलू उपाय ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि एलोवेरा है, नीम की पत्तियां हैं, मुल्तानी मिट्टी है, बेसन है या नींबू है, राइट, हनी है, इन सबको लगा के ट्राई कर सकते हैं। देखिए, इसमें आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे कि आप ये वाली मिट्टी लगाइए, नीम की पत्ती लगाइए, तो एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा, रात भर में ठीक हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपके इमोशन से खेलना हुआ, एक हफ्ते में कोई प्रॉब्लम ठीक होने वाली नहीं है। स्पेशली ये प्रॉब्लम जिसमें बैक्टीरियल का इन्फेक्शन हो गया, अंदर सिस्ट बन गई है, अच्छे नोडुल्स बन गए हैं, वो इन सब चीज़ों से नहीं जाने वाले हैं। तो इसको आप क्लियर करिए, आप इलाज करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई हानि तो है नहीं, मतलब कुछ ज़्यादा तो है नहीं। इसको आप ट्राई कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि थोड़े ज़्यादा पिंपल्स हैं, 10-12-15 हैं माइल्ड केसेस के लिए। उस केसेस के लिए आपको केराटिनोलिटिक ड्रग चाहिए, जैसे कि जिसमें हो रेटिनॉइड हो, एडापालीन हो, बेंजाइल पेप्टिडेज हो, और साथ में एंटीबायोटिक्स, कोई एंटीमाइक्रोबियल उसमें ऐड हो, जैसे कि क्लिंडामाइसिन हो, तो कॉम्बिनेशन ले सकते हैं केराटिनोलिटिक मेडिसिन का और एंटीबायोटिक्स का। इसको लगाना है, 2-3 महीने लगाना है, रिजल्ट 2-3 महीने में आता है। सबको सारी मेडिसिन सूट नहीं करती, कुछ में साइड इफेक्ट ज़्यादा आने लगते हैं, मतलब स्किन ज़्यादा सूखी रहती है, रेडनेस हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन है, इचिंग का होना, स्किन का सनलाइट में जल जाना, इस तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। तो इसको आप ऑब्जर्व करो, जो सूट नहीं करे उसको तुरंत बंद कर दो, 2-3 महीने ट्राई करो, हो सकता है कि आराम मिले। जब भी इस तरह के ट्रीटमेंट लेना है तो ये दिमाग में मोटे तौर पे होना चाहिए कि इलाज बंद करने से हो सकता है ये बीमारी हमारे साथ दोबारा से हमेशा हो जाए, एकदम से ठीक नहीं हो, ऐसा दिमाग में ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आपने क्या कारण उसको समझ लिया। अब आ जाते हैं ऐसे लोग जिनको खूब बड़े बड़े मुहासे हैं, बड़े बड़े नोडुलर बन गए हैं, सिस्टिक बन गए हैं, या पूरे चेहरे पे हो गए हैं, या ये जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं ये असर नहीं कर रही हैं, ऐसे लोग जिनकी एज ज़्यादा है, 35-40 साल है, राइट, उस केसेस में फिर जो सीबम का प्रोडक्शन है, पाइलोसीबेसिस यूनिट है, उसको हमें श्रिंक करना पड़ेगा, उसके साइज को रिड्यूस करना पड़ेगा। उसके लिए फिर चूँकि ये टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है, उसको कम करने के लिए एक दवाई है आइसोट्रिटिनोइन। आइसोट्रिटिनोइन बहुत अच्छी दवाई है, पाइलोसीबेसिस यूनिट को श्रिंक करती है, सीबम को प्रोडक्शन को कम कराती है, पर इसके साइड इफेक्ट बहुत है। गर्भवती महिलाओं में दिक्कत है, बच्चे में कंजेनाइटल प्रॉब्लम होने की समस्या रहती है, इसके अलावा लीवर में टॉक्सिसिटी है, कुछ केसेस में मुंहासों का साइज और बढ़ा देती है, उल्टे स्किन में ड्राइनेस होना, स्किन का फटना, रेडनेस, इचिंग, ये सब आइसोट्रिटिनाइन के साइड इफेक्ट हैं। दवाई बहुत अच्छी है, ज़्यादातर केस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है, पर ये डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में लेना है, डोज कितने दिन तक लेना है, सब जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उनके ऑब्जर्वेशन में आपको लेना है। इसके अलावा कुछ और हार्मोन की बात करें जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करती है, तो दवाई एक तो ओरल कंट्रासेप्टिव ले सकते हैं जो लो डोज प्रोजेस्टेरोन वाली होती है, जैसे डिसोजेस्टिल है। इसके अलावा स्पायरिनोलैक्टोन एक मेडिसिन है जो इसके लेवल को कम करती है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करती है, एंड्रोजन के लेवल को कम करती है, उससे सीबेसेस यूनिट धीरे धीरे सिंक होती है। तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है, अब आपने समझ लिया कि ये कारण है और ये ऑप्शन है, इसमें से आपको खुद से चुनाव करना है, बहुत ज़्यादा चमत्कार की उम्मीद नहीं करना है इन सारे इलाज से। आपने समझ लिया है कि बीमारी अपने आप टाइम के साथ चली ही जाएगी, राइट, उस हिसाब से चुनाव करें, जब भी दवाइयाँ लें तो उनके साइड इफेक्ट के बारे में आपको जानकारी रहती है। दो जो मेन चीज मैं अपने से बोलूंगा, एक तो चेहरे को साफ रखें, सबसे चीज है, ज्यादा रगड़े नहीं, ज्यादा मेकअप नहीं करें, उससे चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। पानी पिए, खाना अच्छा खाएं, क्योंकि देखिए इसमें खाने का ऐसा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पेट में गंदगी के कारण या ज्यादा फैट फूड शुगर लेने के कारण पिंपल होता है, ज्यादातर स्टडीज में बहुत अच्छा कोरिलेशन नहीं मिलता, फिर भी ट्राई करने में कुछ जाता नहीं है कि आप फैटी फूड अवॉइड करें, शुगर को कम करें, हाई फाइबर डाइट लें, पानी अच्छे से पिएं, राइट, चेहरे को साफ रखें, ज़्यादा रगड़े नहीं, स्किन को खुद से, मुहासे को, नाखून से नहीं डैमेज करें, किसी और वजह से फोड़े नहीं, इससे हो सकता है कि थोड़े दिन बाद ये प्रॉब्लम अपने आप चली जाएगी। सो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से अब आपको समझ में आ गया हो कि आपको करना क्या है। इमोशनली फूल नहीं बनना है, जो ज़्यादातर लोग बनाने की कोशिश करते हैं, खुद से चुनाव करो,
जो स्क्रीन पे कुछ क्रीम्स हैं मैं उसको लगा दूंगा वीडियो के बीच में ही, जब मैंने बताया था एलोपैथिक की मेडिसिन, उसमें से आप चुनाव कर सकते हो, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, बताना कोई और क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में लिख देना। सो मिलते हैं अगले वीडियो।